किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो आज की हमारी जानकारी वह है गेहूं की। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी गेहूं की फसल खड़ी है और इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार हमारी जो गेहूं की फसल बहुत शानदार खड़ी है। इसकी वैरायटी के बारे में बताऊँगा और हमने इसमें कितनी सिंचाई की, इन बारे में बताऊँगा और अभी तक ये किस समय हमने बोई थी, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में अब दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये गेहूं की फसल जैसे हमारी है और काफ़ी अच्छी लग रही है इस बार। ये हमें अच्छा उत्पादन होगा हमारा। अगर इसकी वैरायटी की बात करें तो PBW 226 ये गेहूँ की वैरायटी है। और ये जो हमारी जो वैरायटी है, हमने लेट वैरायटी बोई थी इस बार, क्योंकि इससे पहले इस खेत में हमारा जो गन्ने की फसल थी तो मिल चल नहीं रहे थे, उस वजह से गन्ना लेट कटा, तो ये हमारी जो गेहूं की फसल है ये लेट बोई गई। और ये PBW, जैसे PBW 226 वैरायटी मैंने बताया आपको, और कहीं से भी ये अभी तक गिरी नहीं है। और ये हमने 2 जनवरी को बोई थी, 1 जनवरी को बो दी थी और बीज डाल दिया था, फिर अगले दिन हमने इसको बहा दिया था, यानी कि 1 जनवरी को हमारी ये गेहूँ की फसल बोई गई है। और हमने इसमें अभी तक सिंचाई भी मात्र एक ही सिंचाई की है, क्योंकि वह एक सिंचाई इसलिए की है इस बार क्योंकि बारिश बहुत अच्छी रही है। दोस्तों, जैसे किसान भाई बताते हैं कि 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन निकल जाता है, क्योंकि लेट वैरायटी है, लेट बोई जाती है, तो इसके लिए इसका उत्पादन जो कम निकलता है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। शायद 1.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से तो शायद निकल ही जाएगा, जैसे ये दिख रही है, क्योंकि हमने 1 जनवरी को लेट बोई थी फिर भी। तो देखिए आप, तो उसके कारण हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ी, समय से पानी आता रहा कि हमारे गेहूं में। और बैल भी इस बार अच्छी खड़ी हैं, लगभग 10 या 12 दिन में गेहूं पककर तैयार हो जाएंगे। और अभी तो कोई सिंचाई अभी ये मांग नहीं रहे, क्योंकि दाना बन चुका है इनमें, आप देख सकते हैं। और हमारे चारों तरफ से अभी तक गिरी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि PBW 226 वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी, लेट वैरायटी के मामले में है और काफ़ी अच्छा रहा इस बार। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ एक नई वीडियो और नई जानकारी में के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।